सो गाइज, ये दो वर्ड आप देख रहे हो, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, बोलने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क है, और ये दोनों वर्ड आपकी डेली लाइफ में आपको ज़रूर देखने को मिलते होंगे। तो आपको आज मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये एक्सेप्ट और इस एक्सेप्ट के अंदर क्या फ़र्क है, और कैसे इसको कहाँ पे यूज़ करना है, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में कितना कैसे फ़र्क है, कैसे एक दूसरे से अलग है। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके इस वीडियो में मिल जाएगा। सो हे गाइस, मेरा नाम है प्रिंस धवन और आप देख रहे हैं यूर इंग्लिश ट्यूटर। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, आप बात करते हैं पहले अपने टॉपिक में एक्सेप्ट के बारे में। ACCEPT, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, टू रिसीव, टेक और एग्री टू, कई मतलब है, रिसीव करना, स्वीकार करना, लेना या किसी चीज़ से सहमत होना, तो उस केस में एक्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। लेकिन अब आपको कुछ एग्जांपल मैं अगर समझाऊंगा तो उससे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ही एक्सेप्टेड द कंपनीज ऑफर, कंपनी ने उसको कुछ ऑफ़र किया, कोई प्रपोजल था या कोई भी बेनिफिट था, वो ऑफ़र किया, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। वी एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन, उसने हमें इन्वाइट किया तो हमने क्या किया, उसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पे अगर, सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस पे अगर चलेंगे तो वहाँ क्या है, हिज ओपिनियन वॉज नॉट एक्सेप्टेड, उसने कोई राय दी, मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और आपस में किसी बात पे चर्चा कर रहे, तो इसने कोई राय दी, इन लोगों ने मना कर दिया, तो उसने बोल दिया हिज ओपिनियन वॉज नॉट एक्सेप्टेड, इसकी जो ओपिनियन थी, इसकी जो राय थी, वो मानी नहीं गई। I am glad you accepted my offer. मुझे ये खुशी है कि आपने मेरा सुझाव था वो एक्सेप्ट किया, या मेरा कोई ऑफर मतलब मैंने कोई आपको पार्टी पे इनवाइट किया, आपने घर इनवाइट किया तो उसको आपने एक्सेप्ट किया, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड बोल दिया या एक्सेप्ट बोल दिया। एक्सेप्ट की सेकेंड फॉर्म होती है एक्सेप्टेड, हमने बोल दिया नॉट इंक्लूडिंग समवन और समथिंग, किसी भी चीज में से अगर आप किसी एक चीज को नहीं इंक्लूड कर रहे तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट बोलेंगे। कैसे, आई लाइक ऑल दोज एक्सेप्ट द स्नैक, आप किसी जू में गए, वहां आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे लेकिन आपको वहां एक सांप दिखा, आपने बोल दिया कि मेरे को ये सारे अच्छे लगे सिवाय एक सांप के। ठीक है, नो वन कैन कम एक्सेप्ट अरुण, कोई भी नहीं आ सकता अरुण के अलावा, मतलब अरुण को छोड़ के कोई भी नहीं आ सकता, तो हमने क्या बात की, एक्सेप्ट किसी चीज के अलावा बाकी सभी, आपने बोल दिया सभी नहीं आ सकते सिवाय किसके, अरुण के। आई वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे, मैं सारे दिन काम करता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लेकिन संडे को नहीं करता, तो आई वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे। यू सब्सक्राइब एवरी चैनल एक्सेप्ट माइन, ये आपके लिए एक, मैं कह रहा हूँ, मेरी एक कंप्लेंट आपसे कि आप सभी के चैनल सब्सक्राइब करते हो लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, कोई दुश्मनी या कोई गलती या कोई दिक्कत, वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्यों नहीं करते आप। सो ये तो एक, चलो मजाक की बात थी, चलो मजाक एक तरफ हुआ, तो चलिए गए, आपको अगर कोई हमारे वीडियो में या पूरे लेसन में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके इस डाउट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी सारी वीडियोज़ को देखने के लिए, और हमारे चैनल पर विजिट करके और भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो।